कार्तिक पूर्णिमा परे आरंभ हो जाइछि मार्गशीर मास। एही मास रे भगवान श्रीकृष्ण को पूजा अर्चना करिवार विशेष महत्व रहिछि। कार्तिक मास रे जेइ भली भाबे भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करा जाय थाए, ठीक सही परि मार्गशीर मास रे नंदलाला को आराधना करिवा श्रेष्ठ फलदायी होइथाय। किंतु आपण जानिछन्ति कि एही मासरे शंख पूजनर भी विशेष महत्व रहिछि। कुहा जाय कि मार्गशीर मासरे विधि विधान सह शंख पूजिबा द्वारा समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय। शंख को माता लक्ष्मी का प्रतीक बोली कुहा जाय। सेथिपई माता लक्ष्मी का प्रत्येक पूजा रे शंख निहाती भावे रहिथाय। एहा सहित बिना शंखरे माता लक्ष्मी का पूजा संपूर्ण हो न थाए। किंतु मार्गशीर मास रे शंख पूजिबा द्वारा काहेकि प्रसन्न होइथांति भगवान श्रीकृष्ण, एहा पछरे कौन रहिछि कारण? वास्तवरे कुहा जाए कि श्रीकृष्ण का पादरे 19 भिन्न भिन्न प्रकार चिन्ह रहिथिला। सेथरु गोटे हेउछि शंख चिन्ह। भगवान श्रीकृष्ण का पाद तल अंगुली निकटरे रहिथिला एही शंख चिन्ह, जहाँ शुभतार प्रतीक बोली कुहा जाए। जेहेतु मार्गशीर मास भगवान श्रीकृष्ण अति प्रिय मास, सेथिपई एही मास रे श्रीकृष्ण सह जड़ित शुभ चिन्ह को पूजा करिवार महत्व रहिछि। जदि आपण भी श्रीकृष्ण रूपी शंख पूजिबाकु चाहुछन्ति, तेबे सकाळ स्नान सारी स्वच्छ वस्त्र धारण करि नियंतु। एहा परे एक काठ पीढ़ा उपरे नूतन कपड़ा बिछाई दियंतु। सेही कपड़ा उपरे एक थाली रखी सेथिरे शंख रखि दियंतु एवं सेही शंख को कंचा क्षीर एवं जल रे स्नान करांतु। एहा परे निज सामर्थ्य अनुसार चांदी बा तंबा पात्र रे शंख को स्थापना करी पुणि सेथिरे टीका चंदन लगाई एवं धूप दीप बुलाई शेषरे भोग लगाई पूजा करंतु। ब्यूरो रिपोर्ट, एटिया न्यूज़।